मिस्टर नवीन पटनायक पिछले 23 साल से ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं। सन 2000 से लेकर आज तक इनके सामने कोई भी नहीं टिक पाया, पर इनकी पॉपुलैरिटी का क्या रीजन है, चलिए आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। सन 1999 में उड़ीसा में एक सुपर साइक्लोन आया था जिसमें लगभग 10,000 लोग मारे गए थे और उड़ीसा की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी, लोगों की बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही थी। तब सन 2000 में नवीन पटनायक सीएम बने और उड़ीसा को अपने पैरों पे फिर से खड़ा कर दिया। उन्होंने लोगों की बेसिक नीड्स को पहले एड्रेस किया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सिर्फ 1% रेट पे लोन दिया, किसानों का इलाज फ्री किया, गरीबों के लिए लैंड प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए और आज भी ओडिशा के आहार केंद्र में सिर्फ 5 रुपए में अच्छा खाना मिल जाता है। नवीन पटनायक की हार्ड वर्क और जीरो करप्शन पॉलिसी की वजह से आज ओडिशा की इकोनॉमिक ग्रोथ 7.82% है और इतना कुछ करने के बाद भी मिस्टर नवीन पटनायक को लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है। है ना कमाल की बात।